अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फूड स्टूडियो। शेफ़ फैज़ान आपके साथ, और अगेन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं किड्स डे स्पेशल। लास्ट टाइम हमारे साथ अमेलिया नहीं थी, जब हमने फ्राइड चिकन रेसिपी बनाई थी व्हेन शी वाज आउट ऑफ सिटी। तो राइट नाउ ये हमारे साथ हैं, ये भतीजी है मेरी इज़ान साहब। लास्ट टाइम भी आपके साथ थे लॉन्ग हेयर्स में, फाइनली इन्होंने हेयर शॉर्ट कर लिए हैं। इज़ान हाय कहो। हेलो हेलो, ग्रेट। हिज नेम इज इज़हान, हर नेम इज अमेलिया, ही इज कॉलिंग हर जिया। प्यार से हमारा इज़हान अमेलिया को जिया कहता है। और हम हाथ हिलाओ कैमरे को, ग्रेट गुड। तो आज किड्स स्पेशल है और फ्रेंच फ्राइज बनेंगे, और फ्रेंच फ्राइज मेरी खाला मेरे लिए बनाया करती थी, क्योंकि भांजे तो खालाओं की जान होते हैं और फुप्पियाँ बिला वजह बदनाम हैं, फुप्पियों को बिला वजह बदनाम किया हुआ है। मैंने स्टडी की है तो पता चला है कि हर फुप्पी तकरीबन खाला होती ही होती है, तो फुप्पी या खाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्राइज़ बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे, तो फिर मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में पोटैटोज़ को पील करके उनकी कटिंग करनी है, और नाइफ मेरे पास स्क्रैंकल नाइफ है, आप चाहें तो रेगुलर नाइफ से भी कट कर सकते हैं, बट इससे प्रेजेंटेशन बहुत आउट क्लास आती है। पोटैटो अच्छा लार्ज साइज़ के लेंगे, जितने बड़े आलू होंगे उतने अच्छे फ्राइज का कट साइज़ निकलेगा। अगर स्क्रैंकल नाइफ है तो रख के जस्ट प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसके हम एजेस को करेंगे कट। एक्यूरेसी चाहिए हमें, हमें एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना, ये वेस्टेज नहीं है, ये बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। आप इसे बॉईल कर सकते हैं और कट कट बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं 3 से 4 kg में, तो इजीली आपका 700-800 grams पोटैटोज़ आप इस तरह किसी बॉल में ले रखते रहेंगे, पानी में सोक करते रहेंगे, और इसको किसी भी वक्त आप बॉईल कर इसके इजीली कट कट बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इस तरह से अप्रोक्स क्वार्टर इंचेस के स्लाइसेस में हम इसे कट करेंगे। ये एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल इक्वल साइजेस में कट हों। बस थोड़ी सी देर में बनेंगे आराम साहब। तकरीबन 1.5 kg में आपकी 300-400 grams वेस्टेज निकल जाएगी, बट इट्स नॉट अ वेस्टेज, यू कैन बॉइल इट एंड मेक द कटलेट। सेकेंड स्टेप में हम इनकी करेंगे ब्लांचिंग, थर्ड स्टेप में इसकी फ्राइंग होगी, तो फिर मिलते हैं। सेकेंड स्टेप में इसकी ब्लांचिंग करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। एक लार्ज सॉस पैन में पानी लेंगे खुला, और तकरीबन 1 tablespoon उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और ये जो पोटैटोज़ हमने कट किए थे बहुत केयरफुली उठा के इसमें ड्रॉप कर देंगे। इसे फुली कुक नहीं करना, हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट्स हो चुके हैं, जिस तरह इसमें एक सॉलिड बॉयल आएगा, स्टोव करेंगे बंद और पोटैटो को इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ मेरे पास चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी है एक बॉल में, इन पोटैटोस को निकाल के चिल्ड वाटर में ब्लांच जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ओवर बॉयल नहीं करना, यहाँ इसको गलाना नहीं है। परफेक्ट, लुक एट दैट। गरम पानी से ठंडे पानी में हो गया ना ठंडा गरम शो। पैन कर देंगे रिमूव, थर्ड स्टेप में इसकी फाइनल कोटिंग करके फ्राइंग करेंगे, तो फिर मिलते हैं। स्टेप 3 में हम इन पोटैटोस को चिल्ड वाटर से लिफ्ट करेंगे, यहाँ एक स्ट्रेनर में इसको इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। स्ट्रेनर है मेरे पास लार्ज साइज की, जब इन पोटैटोस का पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, इन पोटैटोस को हम यहाँ इस बास्केट में शिफ्ट कर देंगे। नाउ कॉर्न फ्लावर है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 tablespoon,
कॉर्नफ्लावर हम इन पोटैटोज के सरफेस पर स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। बेस में एक ट्रे होगा, वो जेंटली इन पोटैटोज को इस कॉर्न स्टार्च में कोट करेंगे। क्रिस्पी फ्राइज खाने हैं तो थोड़ा बहुत जतन तो करना पड़ेगा ना, प्लेट में रख के तो हलवा भी नहीं मिलता। उसके लिए भी गाजर छील के कद्दूकश करने पड़ती। एक केजी के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून आइडियल है। कॉर्नफ्लावर में इनकी अच्छी सी ड्रेसिंग हो चुकी है। अच्छा, ऑयल हमारा हाई टेम्परेचर पर होगा, सिर्फ फ्राइज को कलर देना है और इसकी साइड की फ्राइंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लांचिंग में हम आलू को गला चुके हैं। तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि ऑयल आपका हाई टेम्परेचर पर हो, अदरवाइज ऑयल को फ्राई सक कर लेंगे और गेम हो जाएगा ओवर। बहुत केयरफुली इस तरह से फ्राइज हम ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, ये स्टक भी हो सकते हैं, बहुत केयरफुली थोड़ा सा इनको स्प्लिट कर कर ऑयल में शामिल करेंगे और ड्रॉप करते ही इसको इमीडिएट हम अच्छा सा एक शेक देंगे ताकि फ्राइज एक दूसरे को छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि जिएंगे मरेंगे साथ। थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आपने घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, इन सब को जुदा कर देना है। When it's floating on the top, that's sign it's near to be ready. क्रंच फील कर सकते हैं दिल जिस तरह मैं से स्ट्रेनर से मूव कर रहा हूँ। ये कलर जो इसका बहुत लाइट है, ये साइन है कि ऑयल हमारा फ्रेश है। जितना ऑयल यूज होता है फ्राइज का कलर डार्क आता है। इट्स रेडी, करते हैं इसे फ्राइंग आउट। और जब भी फ्राइंग आउट करेंगे ऑयल का टेम्परेचर आपका हाई हो, अदरवाइज इस सिचुएशन में भी ऑयल सक कर सकते हैं। आप इसका क्रंच फील कर सकते हैं। करते हैं इसकी प्लेटिंग। एक लवली सा प्लेट है मेरे पास लार्ज साइज का, सिंपल है। फ्राइज पर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, यहाँ इसे प्लेटर में केयरफुली स्लाइड कर देंगे। क्रंची एंड क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज रेडी। हेलो, कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं फ्राइज? अरहम आउट क्लास। कैसे हैं दान? अच्छे हैं। यमी है नहीं है? ओ यस, यहाँ अपना चिया अच्छे हैं, अच्छे हैं। ओ यस, ओ गुड जिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कनेक्ट विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।